YouTube चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी हाय मॉर्निंग का टाइम 10:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ गांव वापस और मैं बस में जा रही हूँ। शेयर करूंगी आपके साथ, ले चलूंगी आपको भी साथ में गांव। मैंने यहाँ सारा कुछ सेट कर दिया है, गैज बंद हो चुकी है। सो गाइज, डोर हो चुके हैं बंद, सब कुछ बंद, मेरा बैग पैक हो चुका है। अभी आपको लास्ट बार बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, फिर सीधे ले चलूंगी आपको अपने साथ गांव। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। चलिए, वेलकम बैक माई YouTube फैमिली। यहाँ से दिखा रही हूँ आउटसाइड व्यू आपको घर से, और पीछे आपको जहाँ गाड़ियाँ दिखी वहाँ रोड है और ये बिल्कुल अपोजिट साइड है। यहाँ देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में धूप लग चुकी है और मौसम बिल्कुल साफ था। और मुझे पता था जैसे ही मैं गाँव पहुँचूँगी वहाँ बहुत अच्छे से धूप लगी होगी, जो कि यहाँ नहीं लगती है जहाँ पर हमारा घर है यहाँ पर रजौली में। चलिए चलते हैं घर की तरफ, यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ आपको। यहाँ मेरा बैग पैक हो चुका था, साथ ही साथ देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो भी मेरी लिपस्टिक जो क्रीम्स होती है सारे, ये सीक्रेट बॉक्स है मेरा, मुझे ज़्यादा बड़ा रखना पसंद नहीं है। साथ में एलोवेरा हमेशा मेरी किट में रहता है। चलिए चलते हैं घर। मेरी बस आती है 11 बजे के आसपास और रोड के साथ ही घर है, तो आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं होती है, बट फिर भी टाइम से पहुंचना पड़ता है। मास्क ले लिया है और गाइस आपको बता दूं, आज तक मैंने कभी भी रेडीमेड जो मास्क है वो नहीं वियर किया है। मैंने सारे जो होममेड मास्क है वही यूज किए हैं। मेरे पास ऐसे ही 3 मास्क है और मेरी दीदी बोलते हैं कि तू एक ही मास्क लगा के रहती है, बट मैं सोचती, मेरे व्यूवर्स भी सोचते होंगे, बट आई हैव 3 पेयर ऑफ मास्क, अब सेम ऐसे ही है। चलिए मास्क उठा लिया, सैनिटाइजर बैग में है, चलते हैं घर की ओर। चलिए गाइस, ले चलती हूँ आपको भी गांव की तरफ। यहाँ लॉक लगा दिया है और चलिए चलते हैं घर। और यहाँ देख लीजिए साथ ही साथ रोड ही है हमारे घर के साथ में। यहाँ बाइक लगाई थी, ये जो रूम रेंट्स पे दिए हैं, मैक्सिमम सभी रूम रेंट्स पे है और रेंट पर्पज़ से बनाए थे, पहले भी आपको बताया है। उन्हीं में से एक रूम अपने आप के लिए रखा है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं वेट करी थी बस का और सामने है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रजौली का। और बहुत से यहाँ से पास आउट भी हुए होंगे मेरे व्यूवर्स। चलिए दिखा रही थी आपको, साथ में ही मेरी 11 बजे के अराउंड बस आने वाली थी और फाइनली आ चुकी थी बस। मैं जा रही थी ठाकुर बस में, जो मेरे लोकल सब्सक्राइबर है उनको पता होगा। और गाइस ये काफ़ी कम्फर्टेबल बस है और मुझे बहुत एक्सपीरियंस है बसेस में ट्रैवल करने का। यहाँ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मुझे इतना अनकंफर्टेबल नहीं होता है बसेस में। मुझे बसेस में जाना ऐसा कोई, जैसे बोलते हैं कि बसेस में प्रॉब्लम होती है, हाँ जब रश होता है तब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट आदत सी हो गई है। इतना और नहीं लग रहा था। यहाँ लगे थे पहाड़ी सॉन्ग्स और साथ में देख लीजिए आप, फाइनली मैं पहुँच गई थी गाँव। और जो बिल्कुल सामने जहाँ टावर के साथ जो आपको गांव दिख रहा है, ये है मेरा गांव। मुझसे सभी पूछते हैं आप कहाँ से हो, मेरे सोशल अकाउंट्स में भी ग्रीन वैली गौरा मशनू का नाम तो सुना होगा। मैं यहीं से हूँ और यहाँ देख लीजिए बस से मैं उतर चुकी थी। और ये देख लीजिए इस तरह से जाती है हमारे पहाड़ों में बसेस। और हम बहुत लकी है गाइज, सुबह मॉर्निंग 7 से शाम को 5-6 बजे तक कंटिन्यूसली 1 आवर 2 आवर्स में हमारे यहाँ बसेस चलती रहती है, बिकॉज यहाँ सराहन तक जाती है बसेस। ये देख लीजिए मेरा प्यारा सा गांव और साथ ही में चोटियाँ दिख रही होगी आपको स्नोफॉल से घिरी हुई। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर पूछते हैं आपके चोटियों में कैसे जाते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं। आज मैंने आपको दिखा भी दिया कि इस तरह से बसेस चलती है, इस तरह से हम ट्रैवल करते हैं। अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं, बट गाइस हमेशा हर जगह गाड़ी तो नहीं ले जा सकते। ये ऊपर से आपको जो है आउटलुक दिखाया है मैंने विलेज का,
और आजकल ऑटम सीजन जा चुका है और सेब का जो है कोल्ड सेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देख लीजिए बिल्कुल सूखा सूखा सा ज़मीन है और सूखी सूखी सी जगह लग रही होगी आपको। और साथ में गाइज अभी बहुत सारा काम है, यहाँ देख लीजिए। और मैं यहाँ पीठ में ले लिया था बैग क्योंकि थोड़ा सा चलना पड़ता है गाँव के लिए। चलिए हे गाइस वेलकम बैक। और फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, गांव और घर। और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगी है और काफी अच्छा सा एनवायरनमेंट है जैसे कि गांव का होता है। चलिए सबसे पहले मिलती हूँ मम्मा से और आपको दिखाती हूँ आजकल यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सो बनी रहिए वीडियो। प्लीज आपको बता दूं, हमारे यहाँ एप्पल ऑर्च्ड होते हैं बहुत बार दिखाया है, एप्पल सीजन भी दिखाया है, बट उन एप्पल ऑर्च्ड में बहुत मेहनत होती है गाइज। यहाँ देख लीजिए ये काव डंग है, गोबर है जो कि जो एप्पल ट्री के जो तना है, तने के साथ साथ में जितना जितना सरफेस होता है कवर करता है एप्पल उसमें डालते हैं। मैं आपको बहुत ब्रीफली बता रही हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। सो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और यहाँ देख लीजिए यहाँ लीकेज हो रही थी पाइप से और आप इमेजिन कर सकते हो इतनी अच्छी धूप थी, स्टिल यहाँ ये बिल्कुल आइस अभी तक ऐसी ही थी और ये बिल्कुल भी पिघल नहीं रही थी। इट मीन्स रात में यहाँ माइनस में चले जाता होगा टेम्परेचर। और यहाँ देख लीजिए साथ में दिखा रही हूँ धूप लगी है फिर भी ऐसे की ऐसे जमी है ये आइस। कैसी लगी वीडियो, इंजॉय किया होगा, लाइक कीजिए। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ गाँव और यहाँ की व्लॉग्स आएंगे आने वाली वीडियोस में। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं बिकॉज मुझे आप सभी के सजेशन आते हैं, ज्यादा लंबी वीडियोस हमें देखना पसंद नहीं है। सो कैसा लगा आपको ये छोटा सा मेरा विलेज व्लॉग? और गाइज स्टे ट्यून टू माई चैनल बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है विलेज से लेकर क्या चल रहा है आजकल विंटर्स में। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे कि आपको पता है मैं पहाड़न हूँ और मुझे पर्सनली ये वाले प्रिंट में जो डाटू है वो बहुत पसंद है। सो आज मैंने ये वियर किया, मुझे मिल नहीं रहा था बहुत टाइम से और थोड़ा स्कार्फ टाइप भी होता है सो मुझे लगा कि पहन लेना चाहिए। सो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, करती हूँ आप सभी को अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी और नोटिफिकेशन बेल प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।